तो दोस्तों अभी रात के टाइम है और मैं अपने बर्ड्स का यहाँ पर पानी निकालने आया था, तो मैंने देखा कि इसकी जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब मुझे लग रही है। ये काफ़ी ज़्यादा हाँप रहा है, ये देखें। मैंने अभी इसे पकड़ कर पानी पिलाया है ताकि ये ठीक हो जाए। तो अभी मैं इसे अंदर ले जाता हूँ अपने रूम में, तो वहाँ पर पंखे के साथ इसे रखता हूँ ताकि इसे हवा लगे और ये एक्टिव हो जाए। और डॉग का एक बच्चा ये बैठा है, अभी अभी मैंने इनको अपने हाथों से स्वीट वगैरह खिलाई है, तो अभी से मैं केज के अंदर बंद करता हूँ। देखना दोस्तों, ये अभी खुद ब खुद अपने स्टिक पर चला जाएगा। तो इन दोनों का पोटा फुल हो गया, इसलिए ये अच्छी तरह से फ्लाइंग नहीं कर रहे। देखें आप, चला गया है। अभी मैं लव बर्ड को इनके केज में डालता हूँ, फिर इनको अंदर ले चलते हैं रूम की तरफ, जहाँ पर इनको हवा लगेगी पंखे की, तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, अब बस हुई पड़ी है, तो बर्ड्स हमारे थोड़े सुस्त लग रहे हैं, तो मैं इनको ले जाता हूँ वहाँ पर अपने रूम में। थोड़ी देर के लिए मैं इसे केज में डाल रहा हूँ, स्टिक के ऊपर बिठा दिया मैंने। लव बर्ड को रूम में ले आया हूँ, इसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगी है मुझे ऐसा लगता है, तो ऊपर से मैंने पंखा भी चला दिया है, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द एक्टिव हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर ऐसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग गया अचानक से, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है ना, और गर्मी भी काफ़ी तेज़ होती है, हब्बस हो जाती है अचानक से, जिससे बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो आप भी इन गर्मियों में अपने बर्ड्स का ज़रूर ख्याल किया करें। लव बर्ड हर वक्त अपने केज के बाहर निकल जाता है, केज के इर्द गिर्द उड़ता रहता है, घूमता रहता है, तो मुझे लगता है इसे गर्मी लग गई है, तो ये हाँप रहा है बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अभी अभी ये थोड़ा सा चल रहा था और इसे अभी हवा लग रही है, ये थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ये देखें आप, अभी थोड़ा सा ये हिल रहा है, हरकत कर रहा है। तो दोस्तों मुझे अब लगता है कि हमारे लव बर्ड का बचना बहुत ही मुश्किल है, इसे गर्मी लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई इसे अचानक से। हमारे लव बर्ड की आखिरी सांसें चल रही है, मुझे नहीं लगता ये बचेगा। ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, दुनिया में हर किसी ने मौत का जायका तो ज़रूर चखना है, चाहे वो परिंदा हो, इंसान हो या कोई जानवर हो। तो दोस्तों हमारे लव बर्ड की डेथ हो गई है, अभी मैं इसे केज के बाहर निकालता हूँ। दोस्तों ये है काले चने और मकई के दाने, जो कि हमने रात को पानी में भिगो कर रखे थे, तो अब हम इनको अच्छी तरह से धोएंगे ताकि इनके अंदर जो गंदा पानी और गंदगी वगैरह है वो निकल जाए। तो इसके बाद फिर इसमें कैल्शियम वाला पाउडर डालेंगे और फिर अपने रिंगनेक पैरट को देंगे। यहाँ पर इन सब ने हमला कर दिया है और इनमें से इनका एक साथी नीचे गिर गया, ये देखें पानी में तैर रहे, तो अभी मैं इसे निकालता हूँ। इसे यहाँ बिठा देते हैं, खुद ब खुद उड़ जाएगा, ये देखें। दोस्तों हमने रिंगनेक पैरट को ये डाल दिया और ये बाकी बच गए हैं, ये जाकर अभी ऊपर कबूतरों को देते हैं। तो दोस्तों ये डव के बच्चे मैं इनको फीडिंग करवाने के लिए ले आया था, तो अभी जाकर इनको इनके सेटअप में छोड़ते हैं। दोस्तों अभी हम अपने लव बर्ड को यहाँ पर दफनाने आए हैं, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर या मेरे पुराने फॉलोवर हैं तो आपको शायद ये जगह याद होगी, यहाँ पर हमने अपनी लव बर्ड की फीमेल को दफन किया था, वो सामने। यहाँ पर हम अपने लव बर्ड को दफन कर रहे हैं। इसके ऊपर ये मैं गत्ता रख रहा हूँ, अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं मिट्टी।